कौन है तू? क्या चाहता? हेलो, इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा हियर। कमिश्नर साहब, आप हमेशा मुझे ऐसा केस हैंडल करने देते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। डोंट वरी, मैं विजय खन्ना से कल ही मिल लूंगा। ठीक है। मिस्टर खन्ना, ये कैसे देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी बेटी उन किडनैपर्स के कब्जे में है। आजकल वैसे भी बड़े लोगों के बच्चों को किडनैप करने का एक फैशन सा हो गया। इसका मोटिव साफ है, पैसा, मनी। लेकिन उन्होंने अभी तक हमसे पैसे नहीं मांगे। नहीं मांगे तो मांगेंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ, मैं उन्हें आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा। डोंट वरी। लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जब डिमांड कॉल आएगा तब देखा जाएगा। ये बताइए, आपने कुछ देर पहले कहा था कि आपकी बेटी विनीता बास्केटबॉल ग्राउंड के आसपास कहीं किडनैप हुई थी। जिस वक्त वो खेल रही थी, आसपास कितने लोग थे? जी, कुछ लोग तो थे, लेकिन याद नहीं कितने लोग थे। हाँ, याद आया, उस समय अपने वीडियो कैमरा से कुछ शूट कर रही थी मैं। अच्छा, कहाँ है वो वीडियो कैमरा? शायद मेरी गाड़ी में है। हे भगवान, थैंक गॉड। मिस्टर खन्ना, बड़ी अजीब सी बात लगती है, आपकी बच्ची कुछ लोगों के साथ खेल रही थी और आपने उन्हें पहचाना नहीं। एक्चुअली मैंने गौर ही नहीं किया। विनीता मेरी कमजोरी है, जब मैं विनीता के साथ रहता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए मैं जब विनीता के साथ खेल रहा था किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं गया। ये रहा कैमरा। मिस्टर खन्ना, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो इतने लंबे होते हैं कि सही वक्त पर सही चीज तक पहुंच जाते हैं। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, इस कसर के जरिए मैं उन मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा जिन्होंने आपकी बेटी को किडनैप किया है।
एक मिनट अरे ये क्या कर रहे हो छोटे डार्लिंग, तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? ये तो हमारे काम के आदमी हैं। साला इन्हें मारूं नहीं तो इन हरामखोरों की आरती उतारूं। आप उनका खाते और आप उनके काम की बात लगाते हैं। आखिर हुआ क्या डार्लिंग? हुआ क्या, बहुत बड़ा पंगा होते होते बच गया। अच्छा वो एक कैसेट आप उनके हाथ लग गया, अगर एक कैसेट किसी और पुलिस वाले के हाथ लगता ना तो हम सबकी बात लग जाती और आप उनका बेचारा भाई साला फांसी के फंदे पे लटक के मर जाता। आखिर इस कैसेट में है क्या? इस कैसेट में ये चार हरामजादे उस लड़की के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे। इन डफरों को ये नहीं मालूम कि उनकी वीडियो फिल्म उतारी जा रही थी। ये तो अपनी लापरवाही से मरते ही, लेकिन आप उनके भाई को साथ ले जाते। ब्लडी इडियट्स। छोटे डार्लिंग, जब तक तुम जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट हीरो हमारे साथ हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नो टेंशन नो वरी, समझे? अपने को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो भी साला रात दिन अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। साले की हालत पतली हो गई, ये देखकर अपन को बहुत ठंडक पड़ गई भाई जी। लेकिन छोटे, उस हरामजादा ने देख अपनी क्या हालत बना दी है। म्युनिसिपैलिटी का पकड़ा हुआ कुत्ता है ना, वैसा बना दिया है मुझे। अपन का छोटा भाई इस शहर का नामचिन पुलिस ऑफिसर और अपन उसका बड़ा भाई इस जेल के खोले में सड़ रहा है, है? छोटे, जितनी जल्दी हो सके कुछ कर। वो जेलर बार बार यहाँ आकर मुझे फांसी का टेंशन दे रहा है। भाई जी, जब तक उसका रिमोट कंट्रोल अपन के हाथ में है, जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो फांस खोके की वसूली हो जाएगी। यहाँ माल अंदर, उधर तुम बाहर, कोई टेंशन मत लो। खाओ खुचाओ, पति बुचाओ, ये देखना छोड़ दो कि आगे क्या होगा। छोटे, तूने तो सारा गेम पलटी करके कमाल ही कर दिया। जिस हरामजादा ने मुझे पकड़वाया था वही आज झक मार के आप उनको पैसा देगा और अपने को छुड़वाएगा भी। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, कमाल तो ये है कि जिस छोकरी को अपन ने उठवाया था उसी को साला छुड़वाने का केस आप उनके हाथ में आ गया है। इसी को कहते हैं चिद भी अपनी पट भी अपना है। हाँ भाई जी, चल जाते हैं सिक्के भी कभी कभी खोटे, पाट लगा देगा सबकी जब तक जिंदा है छोटे। हेलो, विजय खन्ना बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर खन्ना, तुम्हारी आवाज से तुम्हारे इंतजार की बेचैनी का पता चलता है। वैसे अगर तुम इस तकलीफ को दूर करना चाहो तो तुम्हें हमें ज्यादा नहीं सिर्फ 5 करोड़ रुपए देने होंगे। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बोलो कब और कहाँ लाना होगा। आप उन जरूर बताएगा, लेकिन पहले उन नोटों को चेक कर लेना, वो सीरियल नंबर में नहीं होने चाहिए। लेकिन सुन, आप उन देर को ठीक 1 घंटे का मोहलत देता है। ठीक 1 घंटे बाद आप उनका नोटों का भरा हुआ बैग लेकर अपनी गाड़ी में निकलना। और हाँ, याद रहे, नो पुलिस नो टच। अबे ओ थकेले मुंडी मत हिला, बात सुन। आप ने उस विजय खन्ना को माल लेकर क्लब हाउस बुलाया है, तेरे को उधर जाकर वसूली करने का है, समझा क्या? और वो छोकरी, हम पता नहीं चला सके कि फोन कहां से आया और किसने किया है। सर, ये फोन उस मोबाइल से किया गया है जिसका कोई बिलिंग नहीं होता है। ऐसा है, इसमें खांचे वाला कार्ड यूज किया है। खांचे वाला कार्ड मतलब क्या है? पैसा दियो, फोन करो और फेंक दो, पैसा दियो, करो, फेंक दियो। ये भी कोई हिंदी फिल्म का आइडिया है। इनका मतलब है प्रीपेड कार्ड जो आसानी से मिल जाता है, करेक्ट? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस किडनैपर की आवाज को हमने इस टेप में कैद कर लिया है। आप भी सुन लीजिए, आपको काम आएगा, आखिर इस केस को आप ही तो हैंडल कर रहे हैं।
हाँ सुना सर, ये तो अग्निपथ के हीरो अमिताभ बच्चन की तरह अपनी आवाज बदल के बोल रहा था। देखो मिस्टर खन्ना, मैं आपको पैसे देने से रोकूंगा नहीं, पर मानो अगर रास्ते में आप पर कोई मुसीबत आ गई, मैं आपको बचा तो सकता हूँ। इट्स माय ड्यूटी। हाँ इंस्पेक्टर निर्मल ठीक कह रहे हैं। सर मैं एक गुड न्यूज और देना चाहता हूँ। इस बैग के अंदर मैंने एक छोटा सा ट्रांसमीटर रख दिया है नोटों के बंडल के बीच में, जो हमारे लिए खबरी का काम करेगा। वो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। विजय खन्ना साहब इस बैग को लेकर जहां जहां भी जाएंगे हैं, हम उस बोर्ड पर देख सकेंगे। सर मैंने ये आइडिया, जेम्स बॉन्ड की फिल्म है ना गोल्डन आईज दुशिम, उसमें से लिया है। कैसा लगा मेरा ट्विस्ट सर? वेरी गुड इंस्पेक्टर, इस आइडिया से आपके प्रमोशन के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। मैं तो आप ही को फॉलो कर रहा हूँ सर। हीरो को फॉलो करो, विलन तक पहुँच ही जाओगे।